पर इंडिया का अपना चैनल। हुनरबाज सीजन 3 पावर्ड बाय स्किल इंडिया मिशन। कौशल भारत, कुशल भारत। स्किल इंडिया, कौशल भारत, कुशल भारत। जल ही जीवन है। पानी की समस्या आज एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन गई है। बारिश की कमी या सूखे का असर किसानों की फसलों और देश की अर्थव्यवस्था पर बुरे तरीके से पड़ता है। नई तकनीकों की खोज से प्राकृतिक आपदाओं से भी लड़ा जा सकता है और हमें मिल सकता है एक स्वस्थ समाज। अगर आपको बताया जाए कि हमारे शौचालय में इस्तेमाल हुए पानी को रिसाइकिल करके फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसे मुमकिन किया है बिट्स पिलानी के गोवा कैंपस में कार्यरत एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत मुतनरी ने। क्या था इनका उद्देश्य? स्वच्छ भारत अभियान का टारगेट देखेंगे तो 2019 में पूरा 100% टॉयलेट कवरेज होना है। तो अगर 100% कवरेज भी हो गया तो हमारे पास सिर्फ 40% का ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है पूरा कंट्री में। पानी साफ बनाने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स तो कई हैं, पर वो अक्सर बहुत बड़े होते हैं और इन्हें बनाने में बहुत खर्च आता है। डॉक्टर श्रीकांत की सोच थी कि ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे घर, स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के वेस्ट वाटर को कीटाणु मुक्त किया जा सके और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। तो हमारा ये सोच है कि डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स, कि जहाँ पे जैसे एक 100 पीपल इक्विवेलेंट का टॉयलेट है या लाइक इंडिपेंडेंट हाउसेस विद लिटिल स्पेस, अगर वैसा जगह है तो वहीं पे ट्रीट करना बेहतर है। कैसी होती है ये प्रक्रिया, ये समझा रहे हैं डॉक्टर मुतनुरी को रिसर्च में मदद करने वाले रिसर्च स्कॉलर गुरु प्रसाद तलेकर। वो हॉस्टल में से जो भी टॉयलेट वेस्ट वाटर आता है वो अराउंड 1500 लीटर्स पर डे रेट से आता है और वो सेप्टिक टैंक के अंदर कलेक्ट होता है। सेप्टिक टैंक से वो पानी को हम हर रोज 1500 लीटर वेटलैंड में पास करते हैं और वेटलैंड एक सैंड बेड है जिसमें जब पानी पास होता है तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर जो पानी में रहता है, गंदे पानी में, वो ऑर्गेनिक मैटर उसमें फिल्टर हो जाता है। सो जो फिल्टर्ड पानी है उसको हम रिजर्वायर में कलेक्ट करते हैं और वहाँ से हम उसको फिर एक पंप से कंटिन्यूसली वो रिएक्टर रूम में, जहाँ एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टर है, उसमें पास करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टर से जो पानी बाहर आ रहा है वो क्लियर रहता है और उसके साथ उसमें कोई कीटाणु या यू कैन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं रहते हैं और वो पानी हम गार्डनिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। लाखों लोगों की जिंदगी स्वस्थ बनाने के और एक अल्टरनेट वाटर सोर्स बनाने की मुहिम में डॉक्टर मुतनरी को सहायता मिली बायराक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से। बायराक का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट था इसमें, लाइक उन्होंने फंडिंग का ख्याल रखा और हमको ये फ्रीडम मिला कि हमको जो चाहिए जैसे डेमोन्स्ट्रेशन करना है तो पूरा फ्रीडम था उसमें कि डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दोनों साइजेस पे। डॉक्टर मुतनरी जैसे सोशल इनोवेटर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो। अगर आप इस नायाब खोज के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो संपर्क करें डॉक्टर श्रीकांत मुतनुरी से 9421243443 पर।